बाबू बिहारी लाल। हम है उठो वाला बाबू सिर्फ जी न्यूज पर और हम पहुंच गए आप बुध विहार। ऑटो वाले बाबू यानी बिहारी लाल का चुनावी रथ पहुंच चुका है उत्तरी दिल्ली के बुध विहार इलाके में, जहां जनता और समस्याएं दोनों से उनका सामना हुआ। कोई सफाई नहीं करेगा, अपने आप ही करनी पड़ती है सफाई। हर दुकानदार से या किसी से सबसे पैसे लेके जाते हैं। कितनी कितनी कंप्लेंट करते हैं, जब भी कोई उठाने के लिए नहीं आता कूड़ा। मच्छर बहुत है यहाँ, रात भर खूब सोने नहीं देते आराम से। एमसीटी वाले इस पर ध्यान नहीं देते। बुध विहार के लोगों की परेशानी और गुस्सा आपने देखा, लेकिन ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। आइए बुध विहार वार्ड का दौरा शुरू करने से पहले आपको यहाँ का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। उत्तरी दिल्ली के बुध विहार वार्ड में मध्यम वर्गीय आबादी ज्यादा है, कई कॉलोनियां और झुग्गी बस्तियां भी काफी ज्यादा हैं। अंदरूनी इलाका होने की वजह से विकास कार्य काफी कम हुआ है। बुध विहार वार्ड में पार्षद बीजेपी नेता अनिल शर्मा है। सड़कों और गलियों में सफाई न होने की शिकायत है, कई महीनों तक नालों की सफाई नहीं होती, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां नियमित रूप से नहीं आती हैं, फॉगिंग न होने से मक्खी मच्छरों से लोग परेशान हैं, ज्यादातर स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। ऑटो वाले बाबू यानी जी न्यूज रिपोर्टर बिहारी लाल ने जब बुध विहार के लोगों से उनकी समस्याओं पर बातचीत शुरू की, तो देखिए किस तरह दिल्ली वालों का दर्द सामने आ गया। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, इतने वर्ष हो गया सब वोट देते हुए, पूरी तो कंप्लीट कभी भी नहीं हुई है, तो इनसे भी क्या उम्मीद करेंगे किसी भी पार्टी से आए। और आपको क्या लगता है यहाँ पर सबसे जरूरी क्या काम बाकी है? सफाई सबसे ज्यादा मेन काम है एमसीडी का, तो सफाई का, स्ट्रीट लाइट का, यही काम होता है। आप यहाँ का मच्छर का क्या हालत है? मक्की तो देख रहा है चारों तरफ घूम रहा है, और मस्कीटो भी आ रहा है क्या? मच्छर बहुत है यहाँ, रात भर खूब सोने नहीं देते आराम से। तो यहाँ फॉगिंग होता है कि नहीं? नहीं, बहुत कम होता है। कम मतलब क्या, साल में एक बार की मायने में एक बार? साल में एक या दो बार बस। हा? एक या दो बार होती है साल में। एक दो बार। अच्छा, आप यहाँ का पंडित लग रहा है। अरे पंडित जी घंटी बजाने वाला है। अरे आपके लिए एमसीडी का क्या, आपके लिए क्या सबसे क्या जरूरी है? सफाई की जरूरी है यहाँ पर, सफाई बिल्कुल व्यवस्था से नहीं है यहाँ पर। यहाँ कोई डस्टबिन लगाया एमसीडी कभी? एमसीडी द्वारा कोई भी डस्टबिन नहीं लगाया गया। एनडीएमसी जो है ना, वहाँ राष्ट्रपति है, वहाँ प्रधानमंत्री है, वहाँ विदेशी आता है, उसका जो हम देखते हैं डस्टबिन बहुत है, लेकिन यहाँ कॉमन मैन रहता है। बाकी दिल्ली में कॉमन मैन रहता है। बुध विहार में एंट्री करते ही हर गली नुक्कड़ पर गंदगी से सामना हुआ। ऑटो वाले बाबू को भी मुंह पर कपड़ा रख कर गलियों से गुजरना पड़ा। जरा सोचिए यहाँ के लोग कैसे इसी गंदगी के बीच सांस लेने को मजबूर हैं। महिलाओं ने भी दिल्ली नगर निगम की बुनियादी सुविधाओं का सच बताया। तो आपको लगता है यहाँ कुछ काम चल रहा है आप लोग के लिए? नहीं चल रहा कुछ नहीं चल रहा। आप क्या देखा है एमसीडी का? कोई बोला है कि डस्टबिन भी लगाया है? नहीं, यहाँ नहीं लगे। साफ सफाई सबसे बढ़िया कौन करता है? लेडीज लोग ना। लेडीज। आपको लगता है कि नहीं? लेडी करती है। जेंट्स लोग ठीक से सफाई नहीं आता है ना? आते नहीं है, नालियां भरी पड़ी है सारी पीछे। ये मैम साहब, आपको लगता है कि नहीं लेडीज आएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा एमसीडी में? देखो सर, कोई भी आ जाए, लेडीज आ जाए चाहे आदमी आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई सफाई नहीं करेगा, अपने आप ही करनी पड़ती है सफाई। सीवर लाइन पड़ी नहीं, नालियां भरी पड़ी है, बारिश होती है तो गन्ने में पानी भरता है। एक घर के सामने तो खुला नाला उफन रहा था, पूरी गली के लोग इस नाले से परेशान थे, मगर एमसीडी वाले तमाम शिकायतों के बावजूद कुछ सुनने या करने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन इसको थोड़ा सा दिखलाइए, ये क्या हालत है? इसकी निश्चित मालूम होता है कि सफाई नहीं होता है। कैसे मालूम होता है? हम जहाँ खड़ा है ऊपर से नीचे से गैस आ रहा है, उसका जो बास आ रहा है बैंका है। ये कोई कोई जगह में देखा है, लेकिन इसका यह जो हालत है ना,
ये बहुत खराब है, बहुत। अब देखिए एकदम किसी का घर के सामने में, आप लोग थोड़ा सा आ जाइए, आ जाइए। तो आप देखिए ये किसी का घर है, इसके ठीक सामने में ये देखिए, ये ओपन सुरीज है, इससे कॉलरा भी शुरू हो सकता है, बहुत सारा बीमारी हो सकता है। अनिल शर्मा जी के पास हम गए थे कार्ड लेके भागवत का, हमने कहा बाबूजी हमने ना सफाई करवा दो, कर भागवत रखवानी है, तो वो कहते हैं जी देखेंगे। फिर हम दोबारा फिर गए, फिर भी उन्होंने यही जवाब दिया, फिर आगे भेजा उन्होंने, उनके पास गए, उन्होंने भी अनसुनी कर दी, फिर हमने खुद करवाई 1500 रुपए दे के सफाई। आप देखिए यहाँ जंटर लोग अपने जेब से पैसा खर्च करके सफाई कर रहे हैं, गाद है उसको उठवाने के लिए कंप्लेन करते रहो, और उसके बावजूद जो इंस्पेक्टर आता है वो ये कहता है कि पहले आप गाड़ी गली दे, गाड़ी हटवाओ। क्या ये हमारी जिम्मेवारी है? हम ही सबसे बुरे बने, हर दुकानदार से या किसी से सबसे पैसे लेके जाते हैं। बाहर मेन रोड पे सारी नालियां ठुकी पड़ी हैं, सब ने अपने थड़ों के आगे अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है, 500-500 रुपए 1000-1000 रुपए लेके जाते हैं उनसे, लेकिन सफाई के नाम पे जो है जीरो। क्या हम चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, क्यों दे हम वोट इन? काम के लिए जब कहने जाते हैं तो कोई नहीं करता, वो कहेंगे अपोजिशन वाले करेंगे। बीजेपी वालों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं वो कहते हैं अपोजिशन वाले का है। ऑटो वाले बाबू के आने की खबर पाने के बाद कुछ महिलाएं सामने आई, उन्होंने साफ सफाई, नालों की डी सिल्टिंग और फॉगिंग को लेकर एमसीडी प्रशासन और पार्षद की बेपरवाही से शिकायत की। एमसीडी का काम है कि ये नाली बनाना, उसको साफ सुथरा रखना, ये तो सब करता है ना? नहीं नहीं करता है यहाँ नहीं करता है क्या बात, कभी देखा है यहाँ पर? नहीं करते, तभी तो ये हमने अपने आप बनवाई है। देखो नाली, हम अभी कितने कितने कंप्लेन करते हैं, जब भी कोई उठाने के लिए नहीं आता कूड़ा। चुनाव आने वाला है ना, तो नेता तो आएंगे आपसे मिलने के लिए, चुनाव से पहले नेता तो सब आते आते हैं, इससे पहले कोई नहीं आता, बाद में कोई नहीं पूछता। लेकिन आएगा ना तो कुछ बार आप लोग खा सकते हैं, तो हम देने के भी नहीं वोट, पैसे दे दे के नालियां साफ कराते हैं। अच्छा अच्छा, कोई नहीं पूछता हम लोगों को। अच्छा, बिजली से ही आ रहा है? बिजली से ही आ रही है। और ये नाली की समस्या सबसे बुरी है, सबसे बुरी है नाली। और जब मानसून होता है यहाँ स्विमिंग पूल बनता है कि नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता, नाली का पानी सारा रोड। ऐसे मुझे समझ में आता है कि सारा दिल्ली को स्विमिंग पूल क्यों बनना चाहता है? क्योंकि एमसीडी वाले काम ही नहीं करते, लाइट जलती है पर जो खराब हो जाती है उसे सही करने नहीं आते। तो एक बार लगाए खुशी से, उसके बाद कभी फिर वापस नहीं आया? 10 बार जाओ उनको कम्प्लेन करने, तब एक बार आएंगे। अच्छा, यहाँ पर मस्कीटो बहुत है, बहुत चिकनगुनिया, डेंगू हर बार होता है। इसका फॉगिंग चलता है कि नहीं? बहुत कम है, पिछली बार नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला। पूरी गर्मी में इतना बुरा हाल है यहाँ पे कि लफंडर लड़के इतने घूमते हैं यहाँ पे, जो हमारे बच्चे हैं, यंग लड़कियाँ हैं, वो निकलते बढ़ते हुए डरते हैं बच्चे, कोई कोई वो नहीं है यहाँ पे। तो वो लेकिन क्या खा सकता है इसको ठीक करने के लिए, आपका विचार में? हमारे विचार में ये, हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। नालियाँ देखो आप, सालों निकल जा रही है, कंप्लेंट करेंगे 4 बार। लेकिन तो जब भी आएगा उसे जरूर याद दिलाइए। बना हुआ यहाँ सेफ्टी टैंक, सीवर लाइन आई। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे क्या हालत है यहाँ का, आइए आइए। बुधविहार वार्ड में एक सड़क पर ऑटो वाले बाबू का पूरा ऑटो ही गड्ढे में समा जाता। वार्ड का रियलिटी चेक करने के दौरान सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा नजर आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्सर लोग रात के वक्त इस गड्ढे में गिर जाते हैं। अरे हम ऑटो से चल रहे हैं, ऑटो वाला बाबू, और देखे क्या मिला, अगर अंधेरा हो गया और हम देखा नहीं, मेरा ऑटो तो गैप हो गया, देखिए, और यहाँ से भी गैस भी निकल रहा है बीच में सड़क का, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है ना। इसका साफ सफाई ये देखिए, और ये छेद, कम से कम एमसीडी यहाँ एक पटर लगा सकता था ना। आप सोचिए रात को यहाँ तो कोई लाइट चलता है कि नहीं, नहीं मालूम, वहाँ पर लाइट है, इधर लाइट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये रात को कोई भी लग सकता है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे कितने कितने ट्रक या गाड़ियाँ, स्कूटर, टू व्हीलर इसमें गिरे हैं। अच्छा। ये सब जो है ब्लैक स्पॉट, ये देखिए ब्लैक स्पॉट जितने भी हैं, ये टायर के निशान हैं और कईयों के हाथ पैर टूटे हैं।
अच्छा यहाँ पर कहियों के हाथ पैर भी ब्रेक हुए। और आपको लगता है कितने दिन से ऐसी है? जब से नाली को बनाया है तब से एज इट इज ही है। लोगों ने बीच में पत्थर रखा था अपने आप, फिर वो भी टूट गया। टूटने के बाद उसका कोई केयर नहीं कर रहा। और अभी भी गैस निकल रहा है, ठीक है, निकल रहा है, कीड़े भी पैदा, इसमें मॉस्किटोज भी मिलेंगे। अरे इसमें रिगली जो मच्छर जो पड़ रहा होता है, अरे बैंक पड़ रहा है। कभी ये प्रश्न होता है कि मच्छर कहाँ से आता है, तो पता चल गया, ठीक है, नाली में, नाली के साफ नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन बहुत साइड से जाना पड़ेगा। चलो एक नहीं तो एकदम फंस जाएगा। चलिए सड़कों पर गड्ढे, गलियों में गंदगी, बीमारियां बांटते मच्छर और टूटी स्ट्रीट लाइटों से बुधविहार के लोग बेहाल हैं। कुछ लोग तो इतने परेशान हैं कि उन्होंने अब एमसीडी प्रशासन या पार्षद से उम्मीद छोड़ दी है। वो इसी बदहाली को अपनी किस्मत मान चुके हैं। अब देखिए हम तो लग रहा है, लोग बोलते हैं कि नाली का भी साफ नहीं हो रहा है, लेकिन नाली तो साफ हो रहा है। नाली ये तकरीबन 3 महीने के बाद में, कई कंप्लेंट करने के बाद में, आज ये अपने आप किसी जमादार को बुला के और अपने आप ये नाली साफ कराई गई है। ये एमसीडी वाला लोग है कि कोई दूसरा है? ये एमसीडी वाले लोग नहीं थे जो बुलाए थे, वो दूसरे ही आदमी बुला के, और अपने दरवाजों में देखो ना, घरों में पानी घुसा हुआ है, उसकी वजह से इसको कीचड़ को निकलवाया गया है। तो आप ये बोल रहे हैं कि अगर आपको नाली साफ करना है तो एमसीडी को भूल जाओ, अपना कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ। सारा सब कुछ करके देख लिया, अगर उसके बावजूद भी आदमी नहीं आता तो परेशान होते क्या करेंगे, अपने आप करवानी पड़ेगी। हम तो सुना है नाली यहाँ एकदम फर्स्ट क्लास है, सबसे सुंदर है। आपके सामने नाली है या नालियाँ देखी जनाब? नालियाँ देखी, कुछ गंदा रहा है, बदबू उड़ती रहती है, समय नालू में भी गंदे है, ऐसे नहीं। तो यहाँ मच्छर छुआ तो बोर होगा सर? बहुत है यहाँ, बैठ नहीं देते रात को यहाँ पे। सर सीवर बनना चाहिए यहाँ पर, खत्ता होना चाहिए, और यहाँ पर पूरे बुधविहार में कहीं पे भी पेशाब नहीं है, पेशाब घर नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। यहाँ बुजुर्ग आदमी कहाँ जाएंगे, इन्हें अपना टाइम पास करना, यहाँ इधर उधर बैठ के गली में अपना ताश खेल लेते हैं बैठ के। ऑटो वाले बाबू ने जब लोगों की परेशानी का रियलिटी चेक करने के बाद पार्षद अनिल शर्मा के दफ्तर का रुख किया तो वहां जैसे भगदड़ मच गई। जी हाँ, जी न्यूज के विदेशी रिपोर्टर यानी ऑस्ट्रेलिया के बिहारी लाल को देखकर पार्षद के कमरे में बैठे लोग भागने लगे। आखिर ऐसा क्यों? हाँ होगा भी, वो समझे नहीं। फोटो ये यहाँ का काउंसलर आएंगे थोड़ी देर में, कितना 5-10 मिनट अभी आएंगे, 5-10।